आज समीकरण पढ़ते हैं, इक्वेशन। इक्वेशन जहाँ भी कोई भी तथ्य रहेगा उसमें अगर बराबर का चिन्ह रह गया उसको हम इक्वेशन कहेंगे, वो समीकरण है। जैसे कोई भी बहुपद में, जैसे देख लीजिए ये 6x एक बहुपद है, अगर इसमें बराबर रह गया बराबर 0 तो ये अब समीकरण हो गया। मतलब जहाँ भी बराबर दिख गया वो समीकरण है, इक्वेशन है। जैसे और समझिए, 2x+3+5 9 बराबर, यहाँ पे है बराबर दिखेगा, मतलब समीकरण है सिंपल सा। तो अब समझते हैं, ये समीकरण का सिंपल से 4 गो रूल होता है, ये 4 गो नियम होता है। उसके बाद तब फिर इससे भी आगे आ गया, यही 4 पे है पूरा पूरा समीकरण इक्वेशन। अगर प्लस रहेगा इसको अगर बराबर के उधर ठेल दीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस रहेगा इसको अगर बराबर के उधर ठेलिएगा तो प्लस हो जाएगा, और गुना रहेगा उधर जाएगा भागा हो जाएगा, और भागा रहेगा तो गुना हो जाएगा, जस्ट उल्टा होता है समझिए। तो समझते हैं, जैसे मान लीजिए x+4=10, इसको सॉल्व करना है कि x का वैल्यू क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो प्लस है इसको उधर ठेल दीजिए, इसको ऐसे पकड़े उसको उधर ठेल दीजिए, प्लस को उधर ठेलेगा तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो इसको हम यहाँ इसको ऐसे पकड़ते हैं, यहाँ से इसको इधर ठेल देते हैं पूरा। तो x बराबर पहले से 10 है, इसको ठेल किधर करेंगे, तो प्लस को ठेलेंगे क्या बन जाएगा, माइनस, -4। तो एक्स बराबर 10 में 4 घटा देंगे 6, ये हो गया इसका आंसर। उसी तरह अगर इस तरह रहेगा वाई माइनस 20=50, तो फिर इसको वही करना, ठेलना है इसको, माइनस को इधर ठेलेंगे प्लस बन जाएगा। तो वाई बराबर इसको इधर ठेल रहे, इसको पूरा इधर भेज रहे हैं, 50 माइनस जाएगा प्लस हो जाएगा +20, तो वाई बराबर क्या हो गया 70, ये हो गया इसका आंसर। उसी तरह अगर मान लीजिए ये रहेगा q×10=80, तो q बराबर क्या होगा, इधर गुना है उधर जाएगा भाग हो जाएगा, 80/10, तो भागा लगाएंगे 10 8 80, तो ये आप q बराबर क्या हो गया 8 हो गया, ये हो गया इसका आंसर। उसी तरह अगर ये रहेगा, इसको थीटा बोलते हैं, 0 लिख दीजिए बीच में काट दीजिए, इसको थीटा बोलते हैं, θ/5=7, बट्टे मतलब भाग होता है, बट्टे मतलब भाग, अब कोई चीज़ भाग में रहेगा उधर जाएगा गुना हो जाएगा। तो थीटा बराबर पहले से 7 है, इसको इधर ठेले हैं तो भाग उधर जाएगा गुना हो जाता है, −5, तो थीटा बराबर 7/35, ये हो गया। ये सब सिंपल सिंपल है, ये सब तो 7-8 का बच्चा सब जानता है। अब इससे भी हाई लेवल का होता है, वो सब जनरल कंपटीशन सब में पूछता है, वो भी बताएंगे। अगर आपको चाहिए तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, तब उससे भी आगे लेवल का बता देंगे। ये तो सिंपल है, ये सब कोई बड़ा बात नहीं है, ये सब बहुत छोटा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ये मेरा यूट्यूब का और एक चैनल है, उसका नाम है इंडियन तिरंगा 2021, इधर ही बनाया इसको भी, इंडियन तिरंगा 2021, उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग से वीडियो डालते हैं, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, मैथ, रीजनिंग, साइंस, उस सब का वीडियो उसमें रहता है, रीजनिंग का नहीं रहता है, और साइंस सब का, हिस्ट्री सब का बहुत अच्छा सब वीडियो। अब एक बार देख ट्राई कर लीजिएगा, एक बार देख के, एक बार देख लीजिएगा ना, ऐसे देखते रहते हैं इधर उधर, तो इसको भी एक बार जाके देख लीजिएगा कैसा है। बाय।